गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ करोल बाग के मार्केट में। करोल बाग का मार्केट बहुत ही फेमस मार्केट है दिल्ली में। जैसे सरोजनी नगर फेमस है, वैसे ही करोल बाग का मार्केट भी फेमस है। यहाँ पे आपको जाने के लिए आप करोल बाग का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे गेट डाउन करें, बाई मेट्रो आप जा सकते हैं। और गेट नंबर 2 से एग्जिट करेंगे तो सामने आपके करोल बाग मार्केट होगा, वहीं से स्टार्टिंग होता है स्ट्रीट मार्केट का। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो ये मेरे को सबसे पहले दिखा था क्लोथ्स एंड मोर के जस्ट पास में ही, ये स्ट्रीट पे लगा हुआ था, उन्हीं का कलेक्शन था ये शॉप का। 100 रुपीज़ में ये मिल रहे थे, 100 रुपीज़ में इनके पास में विंटर के टॉप मिल रहे थे, टी शर्ट मिल रहे थे। आप देख सकते हैं पूरा कलेक्शन मैंने दिखाने का ट्राई किया इस वीडियो में। मैंने बहुत ही अच्छा अच्छा करोल बाग में मुझे बहुत अच्छा कलेक्शन मिला था, विंटर कलेक्शन। और उसका कपड़े का जो क्वालिटी होता है ना, वो भी करोल बाग के कपड़े का क्वालिटी थोड़ा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर अगर आप सरोजनी की बात करें तो। हाँ, सरोजनी में बहुत सारी वेराइटी मिल जाती है, बट इसमें मुझे जो कपड़े का क्वालिटी मुझे लगा ना, वो एकदम मतलब अजीब क्वालिटी नहीं था, एकदम लो क्वालिटी नहीं था, अच्छा क्वालिटी था यहाँ पर कपड़ों का। और ये वाला क्लोथ्स एंड मोर के मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 150 रुपीज़ में कोट मिल रहे थे, जैकेट मिल रहे थे, ब्लेज़र मिल रहे थे। इसमें आप अगर अच्छे से सर्च करेंगे तो आपको अच्छा स्टफ़ इसमें मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छा स्टफ़ था ये एकदम। हाँ, इसमें ये भी कह सकते हैं हम कि हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा पुराना भी था, हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें था कुछ कुछ पुराना। बट हाँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें है ना अच्छा कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सो आप करोल बाग का मार्केट ज़रूर विज़िट करें। ये 300 रुपीज़ में ड्रेसेस मिल रही थी इसमें, विंटर की, इसमें टॉप भी थे, शक्स थे, एवरीथिंग इसमें मिक्स था। सो आप ज़रूर से विज़िट करें। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी मिल रही थी विंटर के, विंटर में पहनने के लिए, विंटर वियर। बहुत अच्छा कलेक्शन था इनके पास में 300 रुपीज़ में, और ऐसे लग नहीं रहा था कि चीप क्वालिटी है, ऐसा बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था। सो आप ये वाला मार्केट ज़रूर विज़िट करें, और ये वाला क्लोथ्स एंड मोर जो शॉप है, ये वाला ज़रूर आप विज़िट करें। जस्ट कॉप के जस्ट पास में ही है, इस शॉप का नाम है क्लोथ्स एंड मोर। और आपको इस वीडियो में इतना सुंदर करोल बाग के मार्केट में इतना सुंदर सुंदर इयररिंग्स मिल रहा था ना, मैंने सारा कुछ कवर किया है इस वीडियो में। सो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, और पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। और मैंने सरोजनी नगर मार्केट के भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, और भी हम दिल्ली में जितने भी मार्केट हैं उन सब के भी वीडियो बनाएंगे। सो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो वीडियो मैंने बनाया है उनके लिंक जो होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सॉरी, सो थोड़ा मेरा वॉइस को अवॉइड करें, कोल्ड एंड कफ हो रखा है मुझे। और यहाँ पर ये 200 रुपीज़ में मिल रहे थे, और ये वाला शॉप का नाम तो आप देख ही रहे हैं, इनके पास में जैकेट ब्लेज़र वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे। करोल बाग में अच्छे अच्छे शोरूम भी हैं, अगर आप वेडिंग के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, कोई पार्टी के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे अच्छा अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शॉप है वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, और बहुत बहुत अच्छा स्टफ़ मिल जाता है। जैसे कि लाजपत नगर में भी बहुत अच्छा स्टफ़ मिलता है, वैसे कि वैसे ही करोल बाग में भी बहुत अच्छा स्टफ़ मिलता है, स्पेशली वेडिंग के लिए। बहुत अच्छे अच्छे शोरूम है वहाँ पे, शादी के लिए भी शॉपिंग की जा सकती है करोल बाग मार्केट से, और साथ ही साथ स्ट्रीट मार्केट भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। और एक बात ये है कि आप जब मॉर्निंग में अगर जाते हैं तो मॉर्निंग में 11 बजे से ही मार्केट स्टार्ट होता है, 11:30, 11, बट ये है कि अगर आप मार्केट में जाते हैं तो शाम में ज़्यादा मार्केट आपको देखने को मिलेगा, सुबह में इतना स्ट्रीट मार्केट नहीं होता है, शाम में 5:30 बजे के स्टार्ट होता है ज़्यादा मार्केट। वैसे आप जा सकते हैं 11:30 बजे आप जा सकते हैं, आपको मिल जाएगा, बट 80% मार्केट मिलेगा, 100% आपको 5:30 के बाद में मिलेगा। यहाँ पे आप ये कुर्ती देख रहे हैं, इनके पास में कुर्ती मिल रहा था 250 और 300 रुपीज़ का, जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा था। ये वाला शॉप में आप विज़िट कर सकते हैं, ये वाला कॉप के जस्ट आगे वाला, आगे जाएंगे आप तो राइट हैंड साइड में आपको ये वाला शॉप मिल जाएगा। और ये वाले शॉप पे कार्डिगन, स्वेटर वगैरह बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के मिल रहे थे, एकदम न्यू। इनके पास में 250 रुपये से सेल स्टार्ट थी, 250 से मैक्सिमम 1000-1500 तक भी था, तो देख सकते हैं आप, आपके ऊपर है। और ये 250 के मिल रहे थे यहाँ पे, यहाँ पे कोट वगैरह कार्डिगन वगैरह मिल रहे थे, और बट इसमें थोड़ा सा स्टफ वही था कि पुराना था, सो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप देखना चाहें तो आपको 1-2 पीस इसमें अच्छे से मिल जाएंगे।
और उसके बाद में थोड़ा आगे जाने के बाद में ये जो शॉप है ये बैक टू बैक आपको मिल जाएगी, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप गेट नंबर 2 से एग्ज़िट करेंगे तो स्ट्रेट सीधा सीधा ही मार्केट है, तो सारी बैक टू बैक ही आपको ये सारी शॉप आपको देखने को मिल जाएगी। इन अंकल के पास में बहुत अच्छा कलेक्शन था और उसके जस्ट आगे वो जो अंकल की शॉप थी उसके जस्ट आगे वाला शॉप ये था जहाँ पे आपको शरारा गरारा सब कुछ सूट वगैरह मिल रहा था। और मैंने ये जो आपने स्टार्टिंग में शरारा देखा था उसका प्राइस उन्होंने मुझे 1800 रुपये बताया था। और यहाँ पे गर्ल्स के लिए टॉप मिल रहे थे 100 रुपीज़ के, ये तो सेम ही थे ऐसे, तो आपको सरोजनी नगर मार्केट में भी मिल जाएंगे। सॉरी मेरा थोड़ा वॉइस को अवॉइड करें क्योंकि मुझे कोल्ड एंड कफ हो रखा है। और यहाँ पे ये प्लाजो जैगिंग पैंट्स वगैरह मिल रही थी 250 में मिल रही थी, इनका क्वालिटी अच्छा था। बट हाँ ये है कि सरोजनी नगर में भी आपको इसका कलेक्शन और वैरायटी ज़्यादा मिल जाता है और वहाँ पे 200 रुपीज़ में ही मिल जाते हैं सरोजनी में, यहाँ पे थोड़ा सा इसका मुझे प्राइस ज़्यादा लगा था। उसके बाद में ये वाला शॉप द लॉन्जरी शॉप करके था, उसके जस्ट पास में ये वाले आपको कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे, विंटर क्लोथ्स विंटर नाइट वेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनके पास में प्राइस भी स्टार्टिंग था 150 से स्टार्टिंग था, ये पैजामे वगैरह था जो 150 से स्टार्टिंग प्राइस था, मैक्सिमम था इनके पास में 100 रुपीज़ का। और उसकी जस्ट आगे वाला शॉप ये फुटवेयर का शॉप था, इसके ऊपर आपको बहुत अच्छा अच्छा फुटवेयर भी देखने को मिल जाएगा। बट यही था कि प्राइस बहुत ज़्यादा था यहाँ का ये जो बूट वगैरह आप देख रहे हैं वो बूट उन्होंने मुझे 650 बताया था, जबकि सरोजनी में मुझे ये 400 या 450 में आराम से मिल जाता है। और उसके बाद में मैं अब आ जाती हूँ ईयरिंग्स की ऊपर, ईयरिंग्स का जो कलेक्शन था वो A1 कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सुंदर सुंदर ईयरिंग्स का कलेक्शन देखने को मिला था। ये जो ईयरिंग्स आप देख रहे हैं 50 रुपीज़ का था, यहाँ पे मुझे 30 रुपीज़ का कहीं पे सेल देखने को नहीं मिला था। जैसे कि सरोजनी नगर में 30 रुपीज़ का सेल देखने को मिल जाता वैसे मुझे यहाँ पे 30 रुपीज़ का कहीं पे भी देखने को नहीं मिला था, बट ये है कि 50 रुपीज़ में ये मुझे देखने को मिला था। बट बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटी था ये ईयरिंग्स का, सारे ईयरिंग्स इनके पास में बहुत था। अब पूरा तो कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है वीडियो में, जितना मैंने हो सका मैंने आपको दिखाने का ट्राई किया। आप जब भी करोल बाग जाते हैं तो आप ईयरिंग्स जरूर वहाँ से बाय करें क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर ईयरिंग्स का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर किया है। और उसके बाद में 150 का ये सेल लगा हुआ था। ये सारी शॉप आपको बैक टू बैक मिल जाएगी, यहाँ पे स्टॉल मिल रहा था 150 रुपीज़ का जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा था। जैसे कि सरोजनी नगर में आप जाते हैं 60 रुपीज़ 50 रुपीज़ का भी आपको मिल जाएगा, बट क्वालिटी उतना अच्छा नहीं मिलता है। जैसे आप 150 देखिए बहुत अच्छा क्वालिटी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ईयरिंग्स का कलेक्शन बहुत अच्छा था, तो ये वाला ईयरिंग्स आप देख सकते हैं। कल से मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है ना, तो इसीलिए 2 दिन से कोल्ड एंड कफ भी हो रखा है, सो प्लीज़ वॉइस को अवॉइड करें। ये वाला सारा कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन देखने को मिला घर में ईयरिंग्स का, ज़रूर से आप ईयरिंग बाई करें। ये तो मैंने बहुत कम आपको इसमें दिखाया क्योंकि पॉसिबल नहीं है पूरा का पूरा तो दिखाना, बट आप ज़रूर विजिट करें और ईयरिंग्स का कलेक्शन देखें। ये जो ईयरिंग्स का कलेक्शन आप देख रहे हैं ये 2-3 आपको स्टॉल देखने को मिल जाएंगे, वो स्ट्रीट पर ही देखने को मिल जाएंगे आपको। जैसे ही आप स्ट्रेट आएंगे गेट नंबर 2 से तो बैक टू बैक आपको आगे में ये देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप कोई भी पर्स ले सकते हैं इनके पास में। ये हनुमान जी का जो मंदिर आएगा मंदिर के पास में ये वाला शॉप आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो बाहर का जो कलेक्शन था वो 199 का था, कोई भी पर्स आप ले सकते हैं 199 का है। और इसके अंदर मुझे ऐसे भी पर्स लगे थे जो कि सरोजनी में 250 रुपये के मिलते हैं, जो यहाँ पे 199 का मिल रहा था, कोई भी पर्स ले सकते हैं आप। बट अंदर का कलेक्शन का ज़्यादा पैसा था उसका फिक्स नहीं था, जो बाहर में जितना भी कलेक्शन था ना उसका 199 था। ये वाले आप ईयरिंग्स का कलेक्शन देख सकते हैं। ये उसके बाद में बैक टू बैक ही मैंने बताया था ना, उसके जो मैंने पहले ईयरिंग्स का कलेक्शन आपको दिखाया था उसके जस्ट आगे में भी ये भैया बैठे हुए थे, इनके पास में भी बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था। बट इनके पास में ये 50 रुपीज़ का नहीं था, इनके पास में स्टार्टिंग था 50 रुपीज़, बट 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ तक इनके पास में जा रहा था ऊपर तक, सबका प्राइस फिक्स नहीं था। ये जो आप देख रहे हैं 100 रुपीज़ के बताए थे इन्होंने मुझे,
कितने सुंदर सुंदर ईयरिंग्स हैं, और भी बहुत सुंदर सुंदर ईयरिंग्स थे इनके पास में। सो आप ज़रूर विज़िट करें, अगर विज़िट करते हैं तो ईयरिंग्स का कलेक्शन ज़रूर से चेकआउट करें। वहाँ पे मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपको वहाँ पे ईयरिंग्स का जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर सुंदर। उसके जस्ट आगे जाने के बाद में मुझे ये वाला शॉप मिला था जहाँ पे कुर्ती जैकेट वगैरह मिल रहे थे, ये श्रग्स मिल रहा था वहाँ पे। इसका जो प्राइस उन्होंने मुझे बताया था 650 बताया था। इनके पास में 350 का भी सेल लगा हुआ था, जो उसमें डांगरी वगैरह था, हुडीज़ वगैरह था और कुर्ती, ये सब मिल रहे थे इन भैया के पास में। ये वाला जो शॉप है वुडलैंड का जो शोरूम है उसके जस्ट पास वाला ही शॉप है वो, आप अगर आप विज़िट करना चाहें तो उसके जस्ट सामने ये 150 रुपीज़ के मुझे मिले थे। वुडलैंड का जो शोरूम है ना उसके जस्ट थोड़ा सा आगे में ये वाले अंकल मुझे दिखे थे, इनके पास में 150 रुपीस के ये टी शर्ट टॉप वगैरह सारा कुछ मिक्स कलेक्शन इनके पास में मिल रहा था, जो कि कुछ कुछ अच्छा था कुछ कुछ ओल्ड था। बट आपको चेकआउट करना पड़ेगा अच्छे से सर्च करके आप ले। इन अंकल के पास में श्रग्स थे, कुछ कुछ टॉप तो इनके पास में बहुत ही अच्छे थे, और ये जो श्रग्स आप देख रहे हैं ये 200-250 इसका फिक्स प्राइस नहीं था, कुछ 200 के थे कुछ 250 के थे। तो उन अंकल के पास में शख्स भी बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा था। ये जो वुडलैंड का शोरूम है उसके जस्ट सामने एक छोटा सा गली टाइप का है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस थोड़ा सा एक प्लेस है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा थोड़ा। तो वहाँ पे ये भैया शॉप अपना स्टॉल लगाए हुए थे, और इनके पास में ये नाइटी मिल रहा था, विंटर का नाइटी था ये, और ये 500 रुपीज़ में मिल रहा था इनके पास में। ये वाला नाइटी जो आप देख रहे हैं इन भैया के पास में बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन मिल रहा था। नाइट वियर मिल रहे थे, नाइटी मिल रहा था, नाइट सूट मिल रहे थे, बच्चों के मिल रहे थे, सारा कुछ ये आप देख रहे हैं। कुछ कुछ इनके पास में 400 का भी था, कुछ कुछ इनके पास में 500 रुपीज़ का था। जो नाइट वियर इनके पास में थे बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन इन भैया के पास में था, और विंटर का कलेक्शन था, विंटर नाइटी आप खरीद सकते हैं। समर नाइटी तो मिलता ही मिलता है, विंटर नाइटी था इनके पास में। और ये वाले मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये वाले नाइट वियर इनके पास में थे पजामा विथ टी शर्ट के साथ में नाइट, ये नाइट वियर बहुत ही अच्छा 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 कलेक्शन था। ये तो कुछ भी नहीं, इन भैया के पास में आप विज़िट करेंगे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर विंटर वियर का नाइट वियर कलेक्शन, आपको विंटर कलेक्शन नाइट वियर आपको मिल जाएगा इन भैया के पास में। ये जो आप देख रहे हैं ये 500 रुपीज़ का था इनके पास में, सो आप विज़िट कर सकते हैं। वुडलैंड के जस्ट सामने में एक छोटा सा प्लेस आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे 6-7 लोग ऐसे स्टॉल लगाए हुए रहते हैं, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। और यहाँ पे ये 150 के मिल रहे थे, 150 के टी शर्ट शर्ट वगैरह सारा कुछ मिक्स था इनके पास में, विंटर के ही थे सारे कुछ, विंटर के टॉप वगैरह देखने को मिला था मुझे यहाँ पे। ये भी वहीं पे जो वुडलैंड का जो शोरूम है उसके जस्ट आगे में आप लुइस एंड फ्लिप्स करके कुछ है, लुइस एंड फ्लिप्स का जो शोरूम है ना उसके जस्ट आगे में ये वाला स्ट्रीट पर लगा हुआ है, सो आप विज़िट कर सकते हैं। वो एग्जैक्ट बताना पड़ता ना, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन होगा तभी तो आप वहाँ पे पहुँच पाएंगे ना। सो इनके पास में भी काफ़ी अच्छा अच्छा 150 में मिल रहा था, कुछ कुछ अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा अच्छा इनके पास में बहुत अच्छे अच्छे पीसेस आपको मिल जाएंगे देखने को। करोल बाग का जो मार्केट है वो गफार मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। सो करोल बाग का मार्केट, गफार मार्केट, दोनों मार्केट सेम है, ऐसा नहीं है कि गफा मार्केट अलग है और करोल बाग अलग है, दोनों का नाम एक ही है, मतलब एक ही मार्केट है ये, गफा मार्केट करोल बाग मार्केट एक ही मार्केट है। और उसके बाद में मैं लुइस फ्लिप्स का जो शोरूम है उसके जस्ट पास में ये वाला लगे हुए थे, ये अंकल थे इनके पास में बहुत ही सुंदर सुंदर ये स्वेटर मिल रहे थे, लॉन्ग कुर्ती मिल रहा था विंटर का जिसका प्राइस इनके पास में 350 था। बहुत सुंदर सुंदर कुर्ती थे इनके पास में, सिर्फ स्वेटर भी थे, कार्डिगन भी थे, ओनली 350 इनके पास में फिक्स प्राइस था, 350 में इनके पास में मिल रहे थे। मैंने भी इनके यहाँ से दो लिए और एकदम न्यू कलेक्शन था ये, एकदम न्यू ये कुर्ती। आप अगर दूसरी जगह जाएंगे ना आपको 350 में कहीं नहीं मिलने वाला है, ये आप गारंटी के साथ ले लीजिए, 350 में आपको इतना सुंदर कुर्ती आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो आप विज़िट करते हैं तो ये वाला शॉप पर विज़िट कर सकते हैं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें दिखाया है,
ये लुइस फिलिप्स का जो शोरूम है उसी के जस्ट पास में। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, और जो भी मैंने सरोजनी नगर का भी बनाया है उसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और जनपद का भी वीडियो आने वाला है जनपद मार्केट का, सो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।